हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इसी की रसोई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अनुराग। आज जो मैं रेसिपी आपके सामने लेकर आने वाला हूं उसका नाम है खजूर के लड्डू। मैं उसे कम क्वांटिटी में बनाने वाला हूं, आप उसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैं आपको यहां पर प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हमें उसे बनाना है, और ये स्पेशली रमजान स्पेशल है, यानी कि रमजान स्पेशल है। तो आप सभी को रमजान के त्यौहार की लख लख बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। हम बनाने वाले हैं खजूर के लड्डू। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगा खजूर। ये जो खजूर हैं इनके जो बीज के जो वो होते हैं बीज, वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये सीडलेस खजूर हैं, तो आपको बीज निकाल देना है, बीज के साथ मत पीस देना। दूसरी बात, मैं यहाँ पर कम बनाने वाला हूँ, आप अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो आप खजूर भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी के जार में से ले लिया है और हम सबसे पहले इन खजूर को पीस लेंगे। इनको पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अब इसे हल्का हल्का पीस लीजिए कि जिस कंडीशन में ये अभी हैं उससे कम हो जाए। तो हमने खजूर को पीस लिया है और देखिए ये कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है, तो ये ऐसा पीसा जाएगा, तो हमें ऐसा ही इसे पीस लेना है। तो अब मैं प्रिपरेशन नंबर टू करूँगा। ये मेरे पास पीसने के लिए है पेस्टल, मॉडल पेस्टल। इसमें मैं डाल दूंगा बादाम और काजू। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्यों पीस रहा हूँ, मिक्सी में क्यों नहीं पीस रहा हूँ। क्या है कि मिक्सी में जो है ना ये बहुत बारीक हो जाते हैं और हमें इन्हें बहुत बारीक नहीं करना है। तो देखिए मैंने इन्हें पीस कर तैयार कर लिया, और हमें इन्हें बारीक नहीं पीसना है, हल्का कम रखना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें पीसनी थी, ये हमने पीस ली हैं। तो प्रिपरेशन नंबर टू भी हो चुकी है। अब कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, इसमें हम लेंगे 2 चम्मच घी, बस 2 चम्मच ही लेना है, इतना बहुत है। गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे किशमिश, और किशमिश को हल्का सा हम भूनेंगे, बिल्कुल हल्का। इसके बाद हम डाल देंगे काजू और बादाम, इन्हें भी हम हल्का सा भूनेंगे। अब हमें डालना है खसखस, जो हमारे खसखस दाने होते हैं वो हम डालेंगे, और उन्हें भी हल्का सा भूनेंगे। खसखस के बाद मैं डाल दूंगा गरी बुरादा, जो कि नारियल का बुरादा होता है, वो डाल देंगे हम, और उसे भी हल्का सा भूनेंगे। तो ये अच्छे से भून चुके हैं, हम डालेंगे हमारा खजूर, यानी कि जो हमारे खजूर हमने पीस कर तैयार किया था वो हम डाल देंगे। तो हमने हमारा पिसा हुआ खजूर डाल दिया है, हम इसे मिलाएंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने कुछ समय के लिए गैस को बंद कर दिया है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जल ना जाएं। तो पहले इन्हें अच्छे से मिला लीजिए, फिर हम गैस को थोड़ी देर के लिए ऑन करेंगे। मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया है ताकि ये हल्का सा अच्छा सा गर्म हो जाए, ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बन पाएँ। और मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। भाई ये मिक्सचर तो जो है वो तैयार हो चुका है, हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जो मिश्रण है वो ठंडा हो चुका है, अब हम हमारे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो मैं छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से जैसा साइज देना चाहें दे सकते हैं। देखिए एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। एक और लड्डू बनकर तैयार हो चुका, ऐसे ही हम सारे लड्डू बनाएंगे। तो मेरी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, और भी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, ताकि मैं और भी ऐसे कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके पास लाता रहूं। थैंक यू।